हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम इस रियो प्लांट की। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इस प्लांट को कितना परेशान किया है और मेरा अत्याचार। ये प्लांट मेरे पास दो गमलों में था। एक गमले को तो मैंने अपनी छत पर रख रखा था और दूसरे गमले को मैंने इंडोर रख लिया था। मुझे इतना अंदाजा नहीं था इस प्लांट के बारे में। देखिए, जिस प्लांट को मैंने अपनी छत पर रख रखा था वो प्लांट देखिए फ्रेंड कितना सुंदर और हेल्दी है। और इस प्लांट का देखिए आप, इसकी पत्तियाँ कितनी सुंदर हैं और ये जो इसका इनका पर्पल कलर है वो भी बहुत सुंदर है। इस प्लांट ने अच्छे से ग्रो किया है और इस प्लांट का ये देखिए फ्रेंड, इसकी लीव्स फ्रेंड मोस्टली इसकी लीव्स बहुत बड़ी नहीं होती हैं, छोटी छोटी सी लीव्स होती हैं। और ये देखिए, ये नीचे से पूरा गमला मेरा पूरा भर गया है, मतलब ये जगह नहीं छोड़ता है कि दो सूट्स के बीच में कुछ जगह गैप छोड़ दे। तो फ्रेंड, जितनी इस प्लांट को नीड थी सनलाइट की उसे मिलती रही तो ये प्रॉपर ग्रो करता रहा। ये एक ऐसा हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स कि अगर आप गार्डनिंग में बिगनर हैं तो आप इस प्लांट को लगा लीजिए, मतलब आपको बिल्कुल भी केयर की नीड नहीं होगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा प्लांट जिस पर मैंने किया है अत्याचार। इस बेचारे प्लांट को मैंने सोचा गर्मी में क्यों ना इसको इंडोर रख लिया जाए और देखिए इसकी हालत क्या हो गई है। इसकी पत्तियां कितनी लंबी लंबी सी हो गई हैं और पीछे का पर्पल कलर एकदम फेड हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, ये गमले में अच्छे से इसने ना तो ग्रो किया है और इसका प्लांट देखिए कितना लैगी हो गया है, लंबा लंबा सा हो गया है, पत्तियां भी लंबी लंबी सी हो गई हैं। और मतलब ये प्लांट और इस प्लांट का कंपैरिजन आप कीजिए खुद से, देखिए ये कितना हेल्दी प्लांट है। ये देखिए, इस प्लांट को ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल खाद पानी ना दिया गया हो और इसे छोड़ दिया गया हो पीछे में। तो फ्रेंड्स, इस दोनों कंपैरिजन के बाद मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि इन दोनों प्लांट्स में जो है इसको बहुत ज़्यादा 5 to 6 hours की सनलाइट चाहिए ही चाहिए। ये पार्शियल लाइट में बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, बट ये बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है। मतलब इसकी कंडीशन, जो इसकी इन्वायरमेंट कंडीशन थी वो अवेलेबल नहीं थी, उसके बावजूद ये प्लांट मरा नहीं। तो फ्रेंड्स, ये हार्डी प्लांट है, हीरो प्लांट है, पर भैया इसे तो गर्मी और धूप बहुत पसंद है। तो अगर आप भी कर रहे हैं मेरे जैसे गलती और इसे इंडोर रख रखा है तो इसे तुरंत ही ऐसी जगह में रखिए जहां 5 to 6 hours सनलाइट आती ही आती हो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट।